हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज दिन थोड़ा लेट ही चालू हुआ। ऑफ कोर्स हम लोग मतलब पिछले दो दिनों में सिर्फ दो घंटे सोए थे, तो हमारी हालत टाइट थी बहुत ज़्यादा। अभी सूरज सुबह उठ तो गया था 9 बजे, लेकिन अब वो वापस से सो गया है, तो उसने बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। यहाँ पे अनुज पूजा कर रहा है, क्योंकि मैं भी अभी नहा के आई हूँ, मीकू भी अभी अभी नहा के आई है, इसकी भी तबीयत खराब है। आज तो इसकी ये ना ये भानु, इसकी भी तबीयत खराब हो चुकी है। बोलना जरा, अब सही है, नहाने के बाद सही लग रहा है। आवाज से तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, शिप पे जाके बीमार हो जाते हैं। इसने बीमार कर दिया। सही बात है, कैसे कैसे लोग हैं। गाइस मर गई। पता क्या करती है, दो मिनट कुछ करेगी, थक गई। अभी क्या बोलती है, इधर उधर फोन चला के थक गई। भाई इस मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है इस वक्त, जयपुर में एकदम से सर्दी बढ़ गई है, ऊपर नीचे मौसम हो रहा है ना, उसकी वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है। अब आज है शादी, आधे से ज्यादा चीजें नहीं पता कहाँ है, पार्सल अभी मुझे लेकर आने हैं, मुझे ये भी नहीं पता पार्सल आए हैं नहीं आए, क्या है क्या नहीं आए, कुछ नहीं पता, जीरो। हितेश भी अभी अभी आ रहे हैं, हितेश भी बोले यार क्या सीन है, चलना नहीं चलना। मैंने कहा चलना है, लेकिन आप आओ तो सही पहले। अब भानु की हो रखी इतनी तबीयत खराब, तो शूट वगैरह भानु ज्यादा कर नहीं पाएगा, तो हितेश भैया को मैंने बुला लिया, इसको अनुज को भी बुला लिया, इसको तो पूजा करने के लिए बुलाया हमने। माचिस कर दी। क्या बोल रहा है? माचिस। मेरे को माचिस बता दे इसको। ये देखो, ये सूता पड़ा। मना किया है उसने कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। अभी मैं नीचे जाऊंगी, तो चलते हैं और हमारे जो पार्सल्स पड़े हैं पिछले एक हफ्ते के आए वो देखते हैं। गाइस कोई आया है? ओहो, अनुज है। आज तो अनुज बैठा है। आपका जाके आई हो? कहीं भी नहीं। अच्छा, बड़ा शाम को होगी। वो सूट लाई हो ना इसकी मैडम के? अच्छा, चुस्सी से तो मुंडा हो गो गई है, चुस्सी से मुंडा तो इसका पहले से है, अभी और बुरा बड़े पानी में हुई। अरे कोई नहीं, पानी तो कुछ कर ही नहीं, मैं तो अंदर बैठी थी। गोली लगा दे ना। गोली वोली सब लिया है, ले रही है अभी तो। कैसा रहा तुम्हारा? बढ़िया था, मजा आया। खूब मजा है, बहुत मजा आया, बहुत एक्सट्रीम में मजा। सही बताओ यार। हाँ खूब मजा आया, खूब मजा आया। ये मौसम चदरे बेटा ले आई हूँ, तीनों कमरों की चद्दर तकिए की गोली, मौसम तो भेज दी। तेरा कैसा रहा ट्रिप? मेरा बढ़िया था, बस उसके चक्कर में मैं बीमार हो गया। आता मैं क्या करी कैसे तो ये तो पड़ी ही थी। अब हम क्या करें, थोड़ी देर घूमे फिर कोई इसके पास बैठे, फिर घूमे फिर बानू बैठे, फिर ये जाए तो मैं बैठू, क्या करे। कब हुई तबीयत खराब? बड़े तीसरे दिन। फिर बड़े को डॉक्टर को नहीं हो? नहीं नहीं, डॉक्टर तो था, ऐसे तो सब कुछ था, बट वही अब हो गई जो, तो फिर वो तीन दिन वायरल तो रहता है, उसे बोला वायरल। अरे एक्चुअली क्या है, वो क्लाइमेट चेंज में हो ही जाती है तबीयत। अरे सबसे ज्यादा तो हुई गोवा में, गोवा में हुई भयंकर उमस, भयंकर उमस। वहाँ पे छींकना जो कहीं ये छींकना चालू करी वहाँ पे, उसके बाद ये पागल हो गई। नहीं वो क्लाइमेट भी तो चेंज हो जाता है ना, अब यहाँ से एकदम से वहाँ गए तो एकदम से। गोवा में और लक्षद्वीप हालांकि था बहुत सुंदर, अब मैं तो गई नहीं इसके साथ ही, मैं ये लोग गए थे तो गर्मी भयंकर, लेकिन वो था बड़ा सुंदर। लक्षद्वीप तो है यार, वीडियो कॉल करा था हमको उन्होंने, बोले अंकल देखो अभी तो नहीं किया, मैंने किया था। वो कहाँ गया? सूरत सूरत है वो तो, तो वो सुबह जल्दी उठ गया, अब जल्दी उठ गया तो क्या करे, घूम आया इधर उधर, काम वाम कर आया, अब वो वापस आके बैठ गया। थकान तो हो ही गई है। सत्संग का क्या सीन है, कर रहे हैं तैयारी? भाई तैयारी में लग रहे हैं यार। एक वो यार वो दरबार वाले से बातचीत नहीं हो पाई, हालांकि वो ननु ने कहा तो अच्छा सा जाएगा। नहीं वो देख लिया मैंने तो, भानु ने कल मेरे को एग्जांपल दिखाया था, अच्छा है। लेकिन वो जगह के हिसाब से अपने बैठेगा नहीं, जगह के हिसाब से बैठेगा नहीं यार भानु, मेरे भी दिखाया। उसने बोला है, भानु के बड़े भैया ने बोला, वो जैसे जगह होगी उस हिसाब से एडजस्ट कर देगी। ठीक है भाई, हम बोल दिया यार। पिछली बार तो बहुत सुंदर सजा था, भयंकर सुंदर, अब कभी सुंदर सजेगा भानु? लग तो रहा है शादी कपड़े आगे, बाकी देखते हैं। अभी हमें जिस शादी में जाना है ना, रात को उसके कपड़े नहीं आए हैं, तो मोस्टली ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें आ गए होंगे, बाकी पता नहीं। इतने ही क्या पार्सल? बस हाँ, बस तीन ही है। इसमें है रुमाल, मेजरली रुमाल तो इसी में हो रहा है, तो आगे से आगे रखना पड़ता है मेरे को। तो अभी हाँ यही है, यही है शादी, यही है। खोल लो प्लीज, इसमें कपड़े निकले, मेरे कपड़े तो आ गए। अब पता नहीं इसमें सूरज के भी निकल जाने चाहिए भाई, मुझे टेंशन है, बोला तो था साथ में निकलेंगे। लेट्स सी। ओ भाई ये तो ब्यूटीफुल है। हितेश जी आए होंगे, दीपू भी आए होंगे। हैं हितेश जी, सूरज के कपड़े नहीं है? सूरज भैया कपड़े नहीं है सच में? नहीं है वो
एक उम्मीद की कर किरण नजर आई है कि नीचे एक है पार्सल थैला है, उसमें कपड़े ही हैं और उस पे फ्लैट नंबर नहीं लिखा, तो एक बार जाके मैं देख कर आती हूँ कि मिलता है नहीं मिलता। भाई भयंकर स्ट्रेस हो गया मेरे, उठते वो पीटेगा मेरे को, उसने मेरे को 10 बार बोला था आ जाएंगे ना कपड़े, आ जाएंगे ना कपड़े, मैंने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे, भाई नहीं मिला यार कुछ भी यार, भयंकर टेंशन हो गई अब मेरे भाई, अब दिक्कत हो गई है। डांट सुनने के लिए तैयार हो देश में यार, ऐसे हो नहीं सकता यार, उनको बोली थी कि पहुंच गया है, मतलब जिन्होंने भेजा उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली में बिना ओटीपी के भी होता है ना। आपके कपड़े नहीं आए दीदी के आगे, सही में देख लो, अरे दीदी देखने गई अब एक बार वापस नीचे, एक थैला पड़ा है शाबाश, उसका फ्लैट नंबर नहीं दिख रहा। मैं तो रेडी हूँ शादी में जाने के लिए। हाँ। बढ़िया मैचिंग मैचिंग उसके आगे पूरी पीछे देखो पड़ी, अच्छा ये ड्रेस पड़ी क्या? हाँ। आपको क्या लग रहा है? और ड्रेस भी हल्दी का ही, हल्दी तो हो गई, हल्दी हो गई, हो भी गई, ये यही बैठे यार, और मुझे सेंट दिखा रहा है तो मैं उसको और क्या, मैंने इसलिए बोला था कि उसको बोल कि 26 से पहले भेजे, तो इससे पहले आ जाएगा, आ जाएगा। तो यार टाइम भी तो लगता है ना आउटफिट्स में, कितने दिन पहले कर लेते, 26 से पहले आई नहीं पाए तो वो भी क्या करे सूरज, अरे 2 दिन में आ जाते पार्सल, तो ऑर्डर कब किया था? और फर्स्ट वीक में कर दिया था, 20 दिन में तो आई जाता है, फरवरी फर्स्ट वीक में। क्या सीन है यार, बहुत टाइम को नहीं लगता यार, यार मेरे भी समझ गया तो क्या है वो इधर उधर हो गया पार कर गए ट्रांसपोर्टेशन ले भाई, फिर तो अपने क्या एक नीली टी शर्ट, एक नीली मेहंदी के लिए यार, एक टी शर्ट संगीत के लिए, अरे सब पढ़ाई करते उड़ते हैं मेहंदी हल्दी के लिए, गाइस पढ़ने चलो यार, एक दो बार एनिवर्सरी है। अच्छा और मैं देख रहा था कि खर्चा मत करो तू, मैं देख रहा था कि कंटेंट बना लूंगा यार शादी के अंदर थोड़ा बहुत। अच्छा गाइस तो आज का प्लान तो आप लोग को पता ही है, फिलहाल तो हमारे क्रूज की थकान के चक्कर में, लेट उठने के चक्कर में मेहंदी तो हम लोग स्किप कर चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली भाई की रिंग सेरेमनी भी हमारे से छूट जाएगी क्योंकि अभी ये लोग रेडी वेडी हो रहे हैं, लेट ही उठे हैं सारे के सारे, और इन सबसे ज़्यादा लेट मैं उठाऊँ। अच्छा बता दिया क्या तूने? चल ठीक है कोई बात नहीं, तो हमारा फंक्शन, हमारा अटेंड करने का फंक्शन होगा संगीत से, संगीत कल हल्दी है, वो हल्दी तो पहले होती है संगीत से, हल्दी सेकंड डे होती है, अच्छा वेडिंग दिन होती है, अच्छा अच्छा समझ गया, मेहंदी और रिंग सेरेमनी थी वो भी दोनों हो चुकी है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम गाइस, अगर वहाँ जाके थकान वकान में चले जाते तो ना हम वाइब कर पाते वहाँ पर फंक्शनों के अंदर और परेशान और हो जाते हैं, तो इससे बेटर है कि पूरा रिलैक्स करके अच्छे से चलो जाके संगीत पे अटेंड कर दो, संगीत में फुल ऑन वाइब रहे आपके अंदर और एनर्जी रहे, और भानु की अब भानु की तबीयत भी खराब हो गई, लो सुन इसने नया कपड़ा मंगाया है ठीक है, इसको फाड़ के अलग कर दिया, पता नहीं क्या था सिस्टम। अच्छा इसकी बाजू ठीक है, ये बाजू ढीली थी बहुत ज्यादा, दोनों बाजू थी ये लटा स्लीवलेस बना लिए तो सही है, फटे हुए स्कूटर की आवाज, मैं तो थक रही हूं यार थोड़ी थोड़ी सी, सबको थकान हो रही है बहुत ज्यादा, कुकर खांसी हो गई, कुकर खांसी ऐसे बस ही रेडी हो फिर अपने यहाँ से निकलते हैं। क्या हो गया, नहीं रेडी हो पा रही है तू? पे खून निकल गए, दिखा दिखा दिखा, कॉमन है भाई इनके यहाँ पे, कॉमन है ये, भाई जल्दी चलो यार भूख लग रही है, वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे यार, मैंने घर पे खाना बनवाया था आंटी से, यहाँ पे भी कढ़ी चावल बनवाए, क्यों पागल वागल है तू? शादी वाले दिन घर पे कौन खाना बनवाता है? हम लेट होंगे यार, इसलिए जाओ खाओ तो फिर मैं तो नहीं चल पागल के टाइट पे आ गया तू वापस से क्रूज के बाद खीरे प्याज जिस लक्कन से अपन लोग जा रहे हैं वो शायद कैंसिल ना करवाते, बोले इनको खाना तो देना ही मत इनको 5-4 को, तो यार पता है क्या सीन है ना, आज मैं इतनी आलस में थी कि मैंने ना अपने बाल भी नहीं धुलवाए हैं आज, सुबह मैं उठाने आ गया था 9 बजे इसको, यशी तेरे को हेयर वॉश कराने जाना है चली जा, इसने बोला मुझे कुछ नहीं कराना सोने दे भाई, नहीं हो रहा था मेरे बस, और फिर मैं चला गया था काम से, बड़ा होटल तो ज्यादा ही आएगा कूद साले कंबल, तू मेरे होटल का मजाक उड़ा रहा है, बेइज्जती करी आपने दीदी की, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये बात बेटा, अब तू देख, अब देखना, अब देख तू भाई ज्यादा टीम में मत हो तू, नहीं टीम में नहीं भाई, गलत बात है, आप ऐसे कैसे बोल सकते थी, बहुत बड़ी बात, मेरे को तो बहुत दुख आती है, अभी देखना अब मैं, मेरे को तो अब तू गया, मैं तो नहीं सहन सकता, तेरे BTS बनवाता हूं रुक जा, अरे दी कुछ नहीं क्या हो गया, हर्ट भी लगे सुन भी, हां क्या इसके, लेकिन इस चीज की धमकी तो मैं दे नहीं सकता, BTS तो बनाओगे इनके BTS, हां सुन हां तो क्या कह रहे थे दी बोलो, देखो तो हम लोग
को ना सीधा सीधा ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाना था, ये इंसान पता नहीं उधर बार की तरफ ले गया, पता नहीं क्यों। तुम उधर टेस्टी में गया था। अच्छा अभी रिंग सेरेमनी वगैरह सब हो चुकी है, बाहर संगीत की तैयारी चल रही है, अभी सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। अरे सूरज को यहाँ पे परेशान कर दिया, करते तो हुआ थी जब देखो। मैं ही तो परेशान कर रही हूं यार, यार क्या हो गया साथ में, ऐसे पीछे हो रहा ना तो बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर के लेके चलेंगे आज आपको, इसको डॉक्टर के लेके चलेंगे। बैग की वजह से हो रहा है क्या? ये बैग की नहीं, तेजी की वजह से हो रहा है। ट्रेनर आपके इसका कुछ करो। दूल्हे ला जाओ, सुनो दूल्हे तो आप हमारे दोस्त भी हो, पहले खाने पीने का वो है ना, फर्स्ट फ्लोर पे यार भी आपने कुछ बोला ही नहीं आगे कि लेट आए पूरे यार, यार, यार बोलने वाला था मैं, तब में क्या हो गया? अच्छा बाद में बोलोगे, बाद में आपके कारण बन गया दोबारा से। अरे बहुत है, हम क्या करेंगे दो रूम का? ये भी जाना है। हाँ ये देखो गर्ल्स के लिए तो ऊपर वही है, हम नीचे सो जाएंगे। ये तो मेरे साथ सोएगा ना? अरे अभी भी आपके साथ सोएगा, अभी भी आपके साथ सोएगा यार। धोखा दे रहे भाभी को धोखा देते हो। आपने बोला सोएगा भाई, डेजर्ट व्यू देख, डेजर्ट व्यू रेगिस्तान, दुबई का रेगिस्तान। चलो पेड़ बोल सकते हैं। अभी यहाँ कैबल राइड होगी 7 बजे बाद से। ओके मैं आता भाई, ओके ओके चले खाने बंद। दाल बाटी चूरमा देखो, अरे यार मजा हो गया। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा भाई, तुम्हारा चूरमा खाने दो, गुलाबी चूरमा। अरे यार घट्टे की सब्जी तू खा लिया, पसंद घर पे खाए? शादी में तो घर पे खा के आते हैं, बढ़िया है। रात का भी घर पे खा लियो। घर पे तो मैं भी खा के आता, मैं तो अभी भी खाऊंगा यार। दीदी आप डाइट पे हो, चूरमा थोड़ा कम लो यार। चुप रहो यार, तीन तरीके का पानी भी है, इच्छा हो रही पार्टी खाने की, उधर वो खाना खाना अपन ने रात मिल गई। मैं यार एक ही बात कहना चाहती हूँ, खाने की चीज मैनिफेस्ट हो सकती, बाकी मत करना। गाइस मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में से एक डाइटिंग पे था, वो टीपू ही होगा। पापड़ और कड़ी खा रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं सुन मेरी बात। गाइस अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं स्टाम्प पे साइन कर दूंगा, अगर इसका 5 किलो भी कम हो जाएगा ना एक साल में तो मुझे बोल देना। एक साल में? और गाइस अगर आप बोलो ना, आप भी घर में कह रहे हो, इसका देखो इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा मैं। दोस्तों लिख दो कमेंट पे, लिख दो भाई जी, सही बताओ, सही में बोलो, प्रूव कर दिए तो। क्रूज में कहते हैं 1.5 महीना था, कितना कम किया इसने बताना भाई, मेरी बात सुन। चैलेंज 50 ग्राम कम हुआ था, वो भी ना जैकेट जैकेट उतार दी थी। सुयश क्लोथिंग का कुर्ता मेरे को आ गया था सबसे बड़ी बात। अरे मैं क्यों बता रहा हूँ, एक साल में दिखा दूंगा प्रूफ अगर ये करते हैं, और चैलेंज भी होगा। 5 किलो घटाने के लिए इसको एक साल चाहिए बताओ। अभी यार अभी अभी खुद बोला है 5 से ज्यादा करूंगा। कुछ बंदे ने 6 किलो कम किया भी है। 8 किलो का टारगेट देता हूँ, 8 किलो कम करूंगा, लेकिन तू मेरे को स्टाम्प पेपर लिख के दे या कुछ बोल कि कुछ करेगा ऐसे कुछ। अरे भाई तो मुझे देखे क्या यार, मुझे दे पहले खाना तो खाया ना तू, अभी और पूछो तो मुझे बता दो, ये केक एक इंसान को जूता साबुन खेलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है।
मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आपकी बेगम्स का फोन आ रहा था भाई। बेगम क्यों लगा रहा है? बेगम से बाहर में अभी फोटो ले रहा हूं। देखा झूठ बोलने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसको देख लो। राशि जी अगर झूठ बोल रहा ना तो तो किसी मम्मी का समझ लो। हां देखा इसको, देखा इसको इसको। दोस्तों यार मैं ना बोर हो गई, अरे इसको उठाओ यार, दे लॉटरी चोको पाई खा ले। देखना देखना बिल्कुल बदतमीज है देश भैया। सर अरे सर अपन शादी में आए थे, शादी हो गई, आपको बुला रहे फेरों में, चलो चलो जल्दी। गाइस ये भाई हम शूट करिए सब करिए, ऊपर कराटे मार के सो रहा है भाई। भाई कर कराटे इतना, इसके इस कराटों से बोर होकर मैं भी नीचे चला गया। सर भी नीचे आ गए थे भाई, नीचे चलो अभी परेशान कर दिया। मैं साहिल भाई बोल रहा हूं यार, मैं सोने आया था क्या यहां पे मेरी शादी में? गलत हो जाता सोना तो मैं क्या करूं बताओ। लेट्स गो गाइस, संगीत स्टार्ट हो चुका है। मैं पटाखों की भी स्मेल आ रही, पटाखे फूटे मतलब। नीचे आते सीधे भाई खाने पीने पे लग गए लोग तो। आज लोग हम टाइम से जा रहे हैं क्योंकि यार बहुत ज्यादा थके हुए हैं। yes. कल वापस आते हैं और घर पे भानु भी वेट कर रहा है हमारा, और नीकू की तबीयत खराब है, इसके वजह से जा रहे हैं सिर्फ गाइस। हम ये प्लान बिगाड़ रही है हमारे, तीन हमारा बेबी भी आएगा। अरे वाओ क्यूट टू, ये हमारा बेबी भी आएगा। क्या नाम है इसके बेबी का आपका? काशी। काशी कहाँ है? सोया तो ढंग से या घर जाके आया? घर पे गया था, सो ही नहीं रहा। तू आराम नहीं करा ना ठीक से यार? और कैसे गया था घर? कैब से। फिर ठीक है, अभी दवाई ले ली, खाना खा लिया यार, फिर तो सो जा वापस। कैसे कैसे लोग मतलब बीमार हो के पड़ गए। सबको बीमार करने वाली तू ही है। बता यार, बता यार, सब सही हूँ मैं। आप आ गए, आप सही है। किसको पनिशमेंट दिया? अरे इनको यार अभी अभी याद दिलाया भानु ने कि शिट अपन यार हमारे एक पनिशमेंट का टाइम था, जैसे एग्जाम का एक रिजल्ट का टाइम था, कि रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट था क्रूज पे और वो नहीं मिला, तो सॉरी तुझसे, बट अब आप फ्री हो चुके हैं, अब आप हमारे। अरे एक मिनट, अरे रुको, जब ब्लॉग गया हम क्रूज पे थे तो मैं कमेंट्स पढ़ती कैसे, पहली बात ठीक है, अब पढ़ूंगी, अब कल आपको मिलेगा। वो मैं बता, दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट आवर प्रॉब्लम। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। हारे क्यों, हारे क्यों? आज से एक रसगुल्ला दिखाया गया। लोगों ने जो कमेंट्स में बताया था वो क्रूज के पनिशमेंट्स बताए थे। कोई बात नहीं, अरे बिना क्रूज के भी कम है। अगर आप अगर पनिशमेंट देना तो क्रूज पे लेके चलो मुझे, और दो वहाँ पे पनिशमेंट, और मुंबई टू वो चलो। वो तो क्या है आपके लिए पनिशमेंट नहीं, वो तो आपके लिए मजे हो जाएंगे, पार्टी हो जाएगी। करूंगी नहीं, करो अब आप गए। मिल के आऊंगा नया से डीलर हटा। सुनो मेरी बात, सुनो आप, अब है ना, अब आप कल परसों में तैयार हो ना, आपको भयंकर नेहा, इफ यू वॉच आर वीडियो देन उधर नेटवर्क नहीं रहता किसी नहीं उनके लिए रहता पर नेहा, आर यू बोरिंग? यार हमें प्यारी लड़की मिली। हम लोग है ना कसिनो वगैरह गए थे हम लोग है ना, तो मैंने एक बार एक्सपीरियंस करना, टीपू ने बोला एक बार एक्सपीरियंस करो मजा आएगा। तो हम लोग पहले दिन तो गए तो हमें बहुत अजीब सा लगा, तो ये हमने क्या वापस छोड़े यार, नहीं रहने देते। फिर हम अगले दिन गए, फिर क्या थोड़ी सी जॉन पे थे, दूसरे दिन गए थे, अभी दो दिन बाद, दो दिन बाद हर वक्त वही मिलते थे हम तो। ये कैसीनो में बैठे थे दोनों के दोनों भाई, पैसे नहीं लगाते थे, सिर्फ देखते थे, एंजॉय करते थे। ये दूसरे को पैसे सीख रहे थे, मैं तो सीख रहा था, इसको हारा था, मैं सीख रहा था, पैसे हारते भी देख रहे थे सब, मैं बस सीख गया, पूरी चीज सीख गया। पर फिर हम लोग चौथे दिन गए, मैंने यशी को बोला क्यों नहीं चल एक बार देखते हैं क्या सीन है, हम इतने दिन घूमने, चल कैसीनो बैठ गए थोड़ी देर। फिर क्या एक दो एंटी आदमी लोग मिल गए जो पैसे लगा रहे थे मस्त मॉल, फिर उनके पास से बैठ गए, और जैसे जीतते हम लोग एंजॉय करते हैं। तो जो क्यों हमारे को एंजॉयमेंट आ रहा था जबरदस्ती का जीतने पे, बोले साला वो कसीनो वाला हारना चाहिए कैसे भी करके, वो हारना चाहिए। तो उसमें ना एक डीलर थी, उसका नाम था नेहा, वो उनसे इतनी फ्रैंक हो गई, इतनी फ्रैंक हो गई कि हर बात पे हितेश जी की बेइज्जती, पर इनका मतलब साथ में हरवा देंगे। पता क्या सीन होता था, हितेश जैसी ना वो साथ में बंदा बैठा, हम बैठे ना तो वो जीतने लग गए, तो वो ऐसा बोले कि लो तुम खेलो हमारी तरफ से, तो इसको दे दिया, ले ले तू लगा है ना। जैसे ये लगाता वो डीलर, वो पहले ही वो बोलती थी इनका मत लगाओ हार जाओगे, बोला था मत लगाओ इनके, हार जाते पक्का से, हार जाते पक्का से। वो बीच में पता इनका हार्ट टच कर दिया, अब अरे मत करो इनका हार्ट टच, वो भाई इतनी मत, मतलब शी वाज वेरी स्वीट। हम लोग का कैसीनो एक तरीके से फन हो गया था, हम लोग का वहां पर ऐसा माहौल बना रहे थे, सारे मैनेजर मैनेजर सब दोस्त बन गए थे हमारे, मैनेजर का तो मैंने शूट करा है, मैनेजर का टीम में शूट करके आए, और मतलब वो कैसीनो हमारे लिए कैसीनो जैसा ना रहा, एक तरीके से गेम हो गया, फन गेम, फुल गेम, फुल मस्ती वाला गेम हो गया। डीलर वीलर सब, एक वहां पे डीलर था, मैं उनका नाम पूछा, डिट्टो राजकुमार राव, डिट्टो राजकुमार राव। कैसीनो में क्या होता है जैसे ना एक टेबल पे कोई जीत रहा है ना, तुरंत डीलर चेंज कर देते हैं, डीलर चेंज करते हैं, अगला आता है और सीधे लोग वो हारने लगते हैं, भयंकर स्ट्रेटजी, पता नहीं यार, आई डोंट नो, बट मैंने देखकर बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। क्योंकि पता है क्या सीन होता है, हमारे तो वैसे लग नहीं रहे, दूसरे लगा रहे, हाँ यहाँ लगा, यहाँ लगा,
मैनेजर से बोल के वहां पर टेबल चालू करवा दिया। उसके बाद जो बिचापड़े का बच्चा था ना पैसा वो भी खर्च करवा दिया। जीरो उसने ऑड इवन रेड ब्लैक सब पे लगा दी नंबर पे और दो पांच नंबर पे नंबर ही आया जीरो। किसी का जीरो मतलब जीरो हट्टा। काफी लोगों के कमेंट्स थे कि उसका प्राइसेस का बताओ कि कितने पैसे लगे आपके क्रूज के। तो हमारे लिए तो जीरो रुपए लगे क्योंकि हमारा तो स्पॉन्सर था, ये झूठ क्यों बोले। वैसे एक जने के दो जनों के मुंबई से मुंबई टू मुंबई, मुंबई टू मुंबई लक्षद्वीप वाला अगर करते हो तो 1,32,000 अप्रोक्स। आप स्टैंडर्ड में हो, प्रीमियम में हो या लग्जरी में हो, मतलब प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है ऊपर का। दो लोगों के लिए पांच दिन का टूर एक तरीके से 80 से गाइस ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एंजॉय लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।